और आज बात करते हैं सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोगों को बता रहे कि साल में दो बार परीक्षा होगी। क्या ये अपडेट सही है? कितनी हद तक सही है? क्या ये ऑफिशियल अपडेट है या फिर जो हमारे न्यूज मीडियाज होते हैं या उनकी खबरें? तो चलिए सारी चीजें इन डेप्थ जानते हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज, दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब साल में दो बार हो सकेंगे परीक्षा, शिक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। क्या ये न्यूज सच है? कितनी न्यूज सच है? चलिए देखते हैं। इस नए फैसले के अनुसार अब पहली परीक्षा अप्रैल में, मतलब पहली परीक्षा आप लोग की फरवरी में जिस तरीके से होती थी, और दूसरी होगी हमारी अप्रैल में। पर क्या ये इस साल वाले बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि दो बार परीक्षा दी जा सकेगी, और किस लिए ये चीज लाई गई है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा फेल होता है या फिर अगर किसी बच्चे को रिजल्ट आने में कोई दिक्कत होती है तो उसको साल भर पूरी तरीके से वेट करना होता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने का और कॉलेज में एडमिशन लेने का। देखिए, दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि जिसके मुताबिक अगले साल यानी 2025 से बोर्ड के दसवीं और बारहवीं की परीक्षा साल में दो बार मिलेगी, और शिक्षा मंत्रालय से अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दसवीं और बारहवीं के बोर्ड की परीक्षा साल में दो बार करवाने की मंजूरी दी गई। इस नए फैसले के अनुसार अगली परीक्षा आप लोग की पहली परीक्षा होगी फरवरी में, दूसरी अप्रैल में। ठीक है, साल में दो बार परीक्षा करवाने का बच्चों को मिलेगी राहत, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते थे। चलिए मैं न्यूज आर्टिकल पढ़ के बारहवीं की बोर्ड की परीक्षा साल में दो बार कराने की बच्चों की काफी राहत मिलेगी। उसके अंदर परीक्षा को लेकर तनाव होता है वो खत्म हो जाएगा, इसके साथ ही उनका साल भी खराब होने से बचेगा। मैंने क्या बोला, बोर्ड ईयर हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाता है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। दरअसल अगर एक बार परीक्षा खराब हो जाती है तो बच्चे का साल भी खराब हो जाता है, ऐसे में दोबारा से उसकी क्लास में, उसी क्लास में पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप 10th में फेल हुए या 12th में फेल हुए तो आपको सेम क्लास रिपीट करनी पड़ती है। बट लेकिन सरकार के इस नए फैसले से अब छात्रों के पास साल में दो बार परीक्षा देने का ऑप्शन होगा, जिसके मुताबिक किसी भी बच्चे को फरवरी में परीक्षा खराब हो जाती है तो दोबारा परीक्षा अप्रैल में देने का उसको इंतजार करना होगा बस। और उसके पास बिल्कुल ये ऑप्शन है कि अप्रैल में परीक्षा देके वो अपने मार्क्स को अच्छे तरीके से सुधार सकता है। बच्चों, ये काफी अच्छी न्यूज है, ठीक है, डेफिनेटली। क्या इस साल वाले बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल है? अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा 2024-2025 वाले बोर्ड्स के लिए? नहीं बच्चों, तुम्हारे लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो यार ऐसी नौबत हमें आए ही ना कि हमें दोबारा बोर्ड परीक्षा देने की बिल्कुल जरूरत पड़े, तो उसके लिए अच्छे से पढ़ लिख लो। अभी भी बोलती हूँ, मैंने सारे वन शॉट्स तुम्हारे लिए डाल दिए। बच्चों, साइंस के अगर जाके देखोगे तो तुम्हारी यूनिट टेस्ट के लिए सारे वन शॉट्स आ चुके हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के। और बायोलॉजी की मैम हमारी कैसी लगी और केमिस्ट्री की मैम कैसी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में करवा ही रही हूँ आप लोग को इस चैनल पे, और साथ ही साथ उसके साथ बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लेना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करके आप लोग 95% to 98% डेफिनेटली स्कोर कर रहे होंगे। तो बच्चों ये मत सोचना यार कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो, मैं गारंटी लेती हूँ कि 95% to 98% तुम्हारे आके रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सीबीएसई की फर्स्ट चॉइस बुक है, जिसमें यार हमेशा 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए, तो उस बार गुरुकुल की ये बुक जाके आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। नहीं लिए तो किस चीज की दे रहे, जल्दी से जाके ले लो, अभी भी साल बचा है, अभी भी अपने परसेंटेज डूबने से बचा लो, ठीक है। फिर तुम बोलते हो कि दीदी हमें कहीं से फ्री में बता दीजिए कि कैसे पेपर डाउनलोड करते हो, और बहुत सारी बच्चों को तकलीफ होती है एट लास्ट इतने कम समय में बच्चों को इतने सारे साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर, उससे अच्छा अभी से ये बुक ले लो, सारी चीजें करना स्टार्ट कर देना, सारे सब्जेक्ट्स एक बुक में इंक्लूडेड है, चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सारे ही आप लोग को एक जगह मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप लोग मेरी लिंक से लेते तो आप लोग को और भी डेफिनेटली डिस्काउंट देखने को मिला। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर आप लोग की साल भर में परीक्षा दो बार होने का फैसला अगले साल वाले स्टूडेंट से, तो इस साल वाले स्टूडेंट के पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कृपा करके अच्छे से पढ़ लिख के पास होना, और मैं गॉड ब्लेस यू। और बताओ कि चैनल पर किस तरीके की चीजें आना चाहिए, और क्या आप लोगों को लगता है कि इस साल वाले स्टूडेंट्स के भी ये ऑप्शन होना चाहिए था, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारे क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बता के जाइए। इस तरीके की सारी अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रही, क्योंकि मैं आप लोग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स इसी चैनल पर देती रहती हूँ, साथ ही पढ़ाई का कंटेंट तो आता ही रहता है। चलिए, टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीनाली साइनिंग ऑफ।